नमस्कार। कक्षा 12 के डे 151 में और अपना चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। हम पढ़ रहे थे प्रिज्म से, काफी टॉपिक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन। कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोई भी जब प्रिज्म है उससे जो श्वेत प्रकाश गुजरता है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, सातों रंगों में विभाजित हो जाता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। और उन दोनों के विचलन का अंतर जो है वही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। यानी विक्षेपण जो कोण है, कोणों उन कोणों का अंतर है, कोणों में अंतर लेना। किस प्रकार से लेंगे? जैसे ये अपने पास है, तो ही हम इसमें कलर बना लेते हैं। ये तो है व्हाइट लाइट, और यहां से अगर ये नहीं मुड़ती तो इस तरह से जाती है व्हाइट लाइट। लेकिन क्या होता है, ये विभक्त हो जाती है सात रंग। हमने क्या कर लिए, दो कॉर्नर के कलर लेने के। तो ये यहां से दोबारा जब अपवर्तन होता है तो एक इस तरह से जाता है, इस तरह से। ये कौन सा कलर है? रेड कलर है। ये कौन सा कलर है? वॉयलेट कलर है। बात हमने की थी इसका जो विचलन है वो कैसे देखा जा सकता है, विपग्योर के अकॉर्डिंग हम इसका क्रम ध्यान रख सकते हैं। पहले की क्लास में हमने बात कर ली है, नहीं देखी है तो पहले वो देख लेंगे, हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहां से जब देखें इसका विचलन कोण देखें तो क्या आएगा, इसको पीछे बढ़ा दें और यहां ले लें, ये आ जाएगा किसके लिए, डेल्टा। किसके लिए? डेल्टा आर के लिए, डेविएशन फॉर रेड कलर, ये डेल्टा आर। और इसके लिए अगर विचलन देखें तो इसको पीछे बढ़ा दें तो जहां पर ये मिलेगी वहां का कोण बढ़ा ले, ये कोण बढ़ जाएगा। यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, एक ही बात है, ये जो एंगल है वो इससे ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इतना कोण है ये और ये इतना कोण है, ये क्या है, डेल्टा बी लिख सकते हैं इसको। तो इन दोनों में अंतर होगा, ये भी कह सकते हैं सीमांत रंगों के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। सीमांत का मतलब जो कहां पर है, सीमा पर है, बाउंड्री पर है, बाउंड्री के किनारों पर जो कलर है उनके विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रिज्म से पूरा डिफाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण में आर और वी, या ये कह सकते हैं लाल और बैंगनी रंगों के जो जो विचलन कोण है उनके अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, या ये कह सकते हैं जब पूरा लिख लेते हैं हमने, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। इस स्थिति में सीमांत रंगों के, सीमांत रंगों के विचलन कोणों का अंतर, विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण किया जाता है। अब इसको लिख सकते हैं थीटा से, लिख दिया अगर इसे कोण के रूप में है, ये कोणीय विक्षेपण। थीटा से लिख देते हैं इसे, इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा। ज्यादा कोण किसके लिए है, वॉयलेट के लिए, इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसके लिए है, आर के लिए। तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, शोर्ट में अगर डिफाइन करना है तो इतना लिख सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करता है,
तो अपवर्तनांक के फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये हमें पता है, ये रिलेशन हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं छोटे कोण वाले प्रिज्म से विचरण में। तो अब जब डेल्टा वी के लिए लेंगे तो डेल्टा वी आ जाएगा ये, ठीक है, डेल्टा वी के लिए आते हैं, यहां से क्या बात आ जाएगी, दो बातें लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस वन इंटू ए। प्रिज्म तो वही है, कलर उसके अंदर अलग अलग हो रहे हैं, तो जो प्रिज्म एंगल है ये तो रेड कलर के लिए भी वही रहेगा, वायलेट के लिए भी, येलो के लिए भी, सबके लिए, ब्लू के लिए, सबके लिए वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भाई ए के भी हम ये लगाते हैं, भाई ये ए जो है वी वायलेट कलर के लिए, ए रेड कलर, ऐसा नहीं है, ए तो सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट दूसरी बात लिखिए अपने इसके अंदर, डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या देगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में अगर हम मान रख दें इसका, समीकरण एक में तो डेल्टा वी और डेल्टा आर का मान रख दो, नया रिलेशन हमें मिल जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, अगर एक नंबर में पूछा गया है तो आप ये डिफाइन कर सकते हो और इतना लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट आगे की जरूरत नहीं है एक नंबर में अगर पूछा जाए। दो नंबर में पूछा जाए तो आप इस म्यू की फॉर्म में भी आप इसको थोड़ा सा बता सकते हो, वैल्यू पुट करनी है। सो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू म्यू वी माइनस वन इंटू ए, देन माइनस डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे म्यू आर माइनस वन इंटू ए। ए तो सभी में कॉमन आ ही रहा है, तो इधर तो क्या आएगा म्यू वी माइनस वन, इधर ये माइनस म्यू आर, और बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा प्लस वन, और ए को तो सब में से हमने ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा प्लस वन और माइनस वन तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये जो इक्वेशन सेकेंड है ये भी किसको शो करती है, कोणीय विक्षेपण को शो करती है। तो कोणीय विक्षेपण को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसके रूप में, ये तो आ गया, देखो दो तरीके, दो बातें आ गई, ये तो डेल्टा के रूप में, अगर कहते हैं कोणीय विक्षेपण को डेल्टा के रूप में यानी विचलन के रूप में सूत्र क्या है इसका, तो ये है डेल्टा इज सॉरी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अगर दूसरी बात अगर हमें अपवर्तनांक के रूप में पूछ लें तो थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यानी यहां प्रिज्म कोण भी इंक्लूड रहेगा इसके साथ, प्रिज्म कोण भी आ रहेगा। इसी से संबंधित एक बात हो रहा है वो भी हम कर लेते हैं साथ में, वो है विक्षेपण क्षमता। डिस्पर्शन पावर कहते हैं इसको, विक्षेपण क्षमता। क्षमता का मतलब है डिस्पर्शन तो हमें पता ही है क्या है, विक्षेपण, कलर तो है जो है वो व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग रंगों में विभाजित होना, वही डिस्पर्शन है, वही विक्षेपण है, तो विक्षेपण तो वो है ही, पता चल गया यही घटना है, इसी की हम बात कर रहे हैं। कोणीय विक्षेपण क्या है, अधिकतम और न्यूनतम कोणों के बीच का अंतर, यानी जो सीमा पर कोण है, बाउंड्री पर जो कोण है, जो कलर है सॉरी उन कलर के लिए जो विचलन कोण है उनका डिफरेंस जो है वही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अब आता है विक्षेपण क्षमता, हर कांच की एक अलग विशेषता रहती है कि वो कितना व्हाइट लाइट को कितना कलर्स में डिवाइड कर सकता है, कितना हमें उसको क्लियरली हम समझ पाते हैं। नॉर्मल कांच के टुकड़े से भी हमें ये विक्षेपण दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है पूरा क्लियर दिखे, सारा बैंगनी कलर, येलो कलर, रेड कलर सब अलग अलग समझ में आए, जैसे इंद्रधनुष में होता है कभी कभी तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाता है आगे बढ़ेंगे, और कभी हमें सारे कलर एक जगह दिखाई देते हैं, पूरे अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। प्रिज्म से भी हम कर सकते हैं इजी वे में, आप देख सकते हैं प्रिज्म को आग में ले, धूप में खड़े हो जाए, कागज का टुकड़ा नीचे रख ले व्हाइट पेपर, और थोड़ा सा उसको तिरछा करके टेढ़ा करके देखेंगे तो नीचे आपको पट्टी बनी हुई दिखाई दे जाएगी, इस तरह से एक आयताकार एक पट्टी दिखाई देगी, इसमें कलर जो है वो पट्टी की चौड़ाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, जैसे जैसे हम उसका एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे इस पट्टी की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो हमें क्लियर समझ में भी आ जाएगा, कलर दिखाई देगा। तो हर कांच के टुकड़े की, हर पदार्थ की एक अलग विशेषता होती है, अलग उसकी क्षमता होती है कि कितना वो रंगों में विभाजित कर सकता है, कितना स्पष्ट कर सकता है वो, तो वही उसकी विक्षेपण क्षमता कहलाती है। तो विक्षेपण क्षमता का मतलब जो विक्षेपण करने की जो क्षमता है वही है। विक्षेपण क्या है, रंगों को विभाजित करने की, कौन से को, श्वेत प्रकाश को, अवयवी रंगों में, तो उसी को क्या कहते हैं विक्षेपण क्षमता।
तो सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्षमता विक्षेपण क्षमता कहलाती है। ये तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको हम फॉर्मूला फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के रूप में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन कोण के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला निकालना हो तो ये बात दूसरी महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि इसे कैसे परिभाषित किया जाता है। इसे कोणीय विक्षेपण जो हमने अभी पढ़ा लिखा हुआ बोर्ड पे, कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन कोण, अब माध्य विचलन कोण की अभी बात करते क्या होते हैं, इसको डेल्टा से लिखते हैं, विचलन कोण है तो डेल्टा से लिख रहे हैं, इसको भी डेल्टा से लिखते हैं। विचलन कोण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आत आगे इसके अंदर एक नई बात, माध्य विचलन कोण क्या है, ये क्या है माध्य विचलन कोण, माध्य विचलन कोण क्या है, जो विचलन कोण लेते हैं सभी के लिए अलग अलग, रेड के लिए सबसे कम है, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा है, बाकियों के लिए बीच के हैं, तो सभी का जो औसत मान है, औसत मान है वो क्या कहलाता है, माध्य। औसत मान कैसे निकालते हैं, सबके लिए विचलन कोण है, सबके लिए किसी के 40 है, किसी के 45 है, किसी के 42 है, किसी के 50 है, 60 है, कितना भी है, सबको जोड़ के जितने सात रंग है सात का भाग दे तो माध्य आ जाएगा, वो होता है माध्य विचलन कोण। और नॉर्मली ये जो मान है ये पीले रंग के प्रकाश के लिए जो विचलन आता है उसके लगभग बराबर आता है, इसलिए माध्य विचलन कोण किसके लिए बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, पीले रंग के लिए जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, जो तरंग मूर्ति है, उसके लिए बराबर होता है। ठीक है, तो ये माध्य विचलन कोण क्या है, तीसरी बात इसमें लिख ले चाहे आप, माध्य विचलन कोण क्या है, विचलन कोण या डेल्टा जो है वो डेल्टा क्या है, सभी रंगों के विचलन का औसत मान है जो पीले रंग की तरंग के बराबर होता है, पीले रंग की तरंग जो है पीले रंग की तरंग घेरे के बराबर होता है। अब इसको हम डिफाइन करें, अब थोड़ा सा फॉर्मूला और डेराइव कर ले, इसे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर्म में, कैसे विक्षेपण क्षमता जो हम निकाल रहे हैं वो किसके बराबर होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर बात करें तो सीधा लिख लें कोणीय विक्षेपण अपॉन माध्य विचलन कोण। अब कोणीय विक्षेपण क्या हो गया थीटा और माध्य विचलन कोण क्या हो गया डेल्टा। थीटा की वैल्यू अब आपके पास है, आप किसी भी फॉरम में रख सकते हैं, इस फॉरम में रख सकते हैं, इस फॉरम में भी रख सकते हैं, इस फॉरम को ले लेते हैं, ज्यादा बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, और लिखना चाहें तो अलग अलग पहले ये लिख दें फिर ये मान रख दें, फिर कोई व्याप है अपने पास लिखी हुई जो है अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा का मान क्या है यहाँ, वो भी मैं साथ ही लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं ब्रैकेट में, यहां डेल्टा क्या है, डेल्टा एम यू माइनस वन इंटू ए, माध्य विचलन कोण है तो यहां अपवर्तनांक का भी क्या है माध्य आ गया। अब प्रिज्म कोण की बात करिए, हमने ए तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है प्रिज्म कोण, इसका किसी के अंदर कोई योगदान नहीं है यहाँ, तो ये तो अलग ही वैल्यू है, ये कलर पे जो है वो ये स्वतंत्र है, प्रिज्म के लिए जितना विचलन जो प्रिज्म कोण है जितना है वो उतना ही रहेगा, बाकी विचलन सबका अलग अलग हो सकता है, जो अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पे, लैम्डा पे निर्भर करता है, वो हम पढ़ चुके हैं, लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मान यहां रख दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू माइनस वन इंटू ए, ए से कट गया
फाइनल रिजल्ट आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। एक निष्कर्ष निकलता है इसे क्या, ये तो आगे फॉर्मूला अगर हमें जरूरत पड़े तो पूछ लिया जाए एग्जाम में तो, लेकिन एक निष्कर्ष इसे ये आ गया कि विक्षेपण क्षमता का मान किस बात पर निर्भर करता है, केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब है पदार्थ कैसा है, और कैसा है ये कैसे पता चलता है, ये उसके अपवर्तनांक से पता चलता है। ठीक है, अपवर्तनांक पे निर्भर करता है इसका मान। दूसरी बात, अगर यूं कहते हैं भाई ए पे निर्भर करता है या नहीं करता, तो अपने को सब फॉर्मूले में ए दिखता है, इसलिए अपने क्या सोच लेते हैं भाई ए पे भी निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पे भी। लेकिन यहां जब यहां सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि ए से कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट इसका आ गया, ये दोनों बातें अभी में कि विक्षेपण क्षमता का मान पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। ये दो बातें आप नोट कर लें कि प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आप नोट कर लें कि इस पर निर्भर लिख लें, ये दो मनो बातें हेडिंग डाल के नोट डाल दिए कि विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म कोण से स्वतंत्र होता है या प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ रहे हैं, एक दो क्लासेस में आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम और हम बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में और आगे इसके बाद। तो ये सारे क्या है, सारे जो टॉपिक हैं ये चल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले टॉपिक, तो ये बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, एक नंबर ही पूछ जाते हैं, और सबसे आसान और सबसे मुश्किल दोनों ही बातें हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल रहता है। आसान इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर पता है तो एक ही वर्ड लिखना है, दो ही वर्ड लिखना है, एक लाइन ही लिखनी है, और नहीं पता तो फिर वो याद आती भी नहीं, क्योंकि जब हमें सारी बातें बीच में से कोई भी बात पूछ ले तो वो पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तभी हम उनका जवाब दे पाते हैं, और जो हर शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे महत्वपूर्ण है, उसके लिए हर टॉपिक हर लाइन हर बात महत्वपूर्ण है, सभी कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। डेल्टा के फॉर्म में पूछे तो हमें बताओ, म्यू के फॉर्म में पूछे तो हमें बताओ, विक्षेपण क्षमता पूछे तो परिभाषा बताओ, फॉर्मूला बताओ, उसको किस तरह सॉल्व करना है वो बताओ, ये पूछ ले किस बात पे निर्भर करता है तो वो भी हमें बताओ, और किस बात पे निर्भर नहीं करता है वो भी हमें बताओ। ठीक है, इसको कर लें, लिख लें, बाकी बातें हम करें नेक्स्ट क्लास में।